संयुक्त मोर्चा की सांझी प्रेस वार्ता में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एमएसपी के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका एक मकसद ये भी है कि सरकार जो भ्रम फैला रही है उस भ्रम को दूर करना, ताकि किसान का पक्ष पूरे देश में आपके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जाए। सरकार बार बार बयान दे रही है कि किसानों ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, हम तो इनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, एमएसपी तो हम देंगे ही, ये तो हम लिख के देने के लिए भी तैयार हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब तो किसान ही गलती पर है। लेकिन आपको बता दें कि हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी के आगे सवाल किया था कि क्या आप एमएसपी पर, जो आप एमएसपी 23 फसलों का तय करते हैं, क्या आप उन 23 फसलों को खरीदने के लिए तैयार हो, सारे देश से जितनी पैदा होती है? उनका जवाब था नहीं। और अब जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें फिर हमने ये सवाल उठाया था कि क्या आप 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो, तो उनका जवाब था कि नहीं, इस पे तो बहुत सोचना पड़ेगा। तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो जब आप खरीद नहीं सकते, जब आपका खरीदने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो कि हम तो एमएसपी तो हमने तोड़ा ही नहीं, एमएसपी तो हम देंगे। तो साथियों, इस पे हम ये समझाना देना चाहते हैं कि एमएसपी देना और चीज है और एमएसपी पर खरीदना और चीज है। एमएसपी देने का मतलब है एमएसपी तय करना, और खरीदने का मतलब है कि उस पर वो सारी फसलें खरीदे भी। जो आज का आंकड़ा सामने आ रहा है वो आप देखिए, पूरे देश में उन्होंने 1 क्विंटल मक्का नहीं खरीदा, और पूरे देश का जो मक्के का रेट रहा वो 800 से और 1100 रुपए के बीच बिका, और एमएसपी मक्के का 1850 रुपए। बल्कि यहां तक हुआ कि हरियाणा में कह के मक्का बिकवाया गया कि आप बीजिए, हम 7000 रुपया अलग से भी देंगे, कुछ नहीं किया गया। और ऐसे ही पूरे देश के जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि पिछले 15 साल में 45 लाख रुपया एमएसपी से कम हमें मिला। यानी अगर आज का हिसाब लगाएं, आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच पर साल एमएसपी से कम मिलता है किसानों को, और ये हमारा अधिकार है। ये नहीं है कि ये हम कुछ अलग से मांग रहे हैं, ये हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग है, एक्स्ट्रा मांग नहीं है, ये तो सरकार एमएसपी 1967 से लेके तय कर रही है, लेकिन तय कर रही है केवल खरीद उस पे नहीं रही है। तो ये एक बड़ा घाटा जो किसान, देश के किसान को जा रहा है, जिसके लिए मांग कर रहे हैं कि इतना घाटा देश के किसान को हर साल एमएसपी की वजह से हो रहा है, ये हमारा अधिकार है, जो सरकार के नियम ना होने की वजह से हम लुट रहे हैं। उस पर एक नियम बनाए, एक कानून बनाए कि चाहे प्राइवेट खरीदे, सरकार खरीदे, कोई खरीदे, लेकिन हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी जेब में जरूर जाना चाहिए। और उससे सरकार टालमटोल कर रही है, उसके ऊपर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। केवल उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना देंगे, कमेटी के नाम से वो टालना चाह रहे हैं, जो हमने अभी तक नामंजूर उसको कर दिया है कि कमेटी हमें मंजूर नहीं है, और इस पे तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा अधिकार है कि कानून आपने पहले से जो एक तरह से आपका नियम है उसको एक कानूनी रूप देना है, बस इतना सही है। एमएसपी तो आप पहले से तय करते हैं, तो उसके लिए भी वो राजी नहीं हुए हैं, और वो कहते हैं हमें खजाना देखना पड़ेगा, देश का खजाना, देश का खजाने पे बहुत बोझ पड़ेगा। तो लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब किसान का नाम आता है तब देश का खजाना याद आ जाता है। हालांकि हमारी 60% आबादी है देश की, जिसपे उनको प्रॉब्लम आती है खजाने पे, जब कहीं
पिछले साल 5 लाख करोड़ निकाल के उन्होंने बांट दिया देश के कारपोरेट को पिछले साल, और अभी तक 15 लाख करोड़ का देश का एनपीए हो चुका है जो पूंजीपतियों का है, उसको वसूलने कोई इंतजाम नहीं किए। तो मतलब जब किसान का नाम आता है तब उनको दिक्कत आती है। तो एमएसपी पे हमारा स्पष्टीकरण ये है, कुल मिला के स्पष्टीकरण ये है कि हमारा जो उत्पाद है आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच हमें नुकसान हो रहा है, जो हमारा अधिकार है लेकिन सरकार उसको लूट रही है और नहीं दे रही। इस आंदोलन में भी अभी तक उस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, अभी तक बात नहीं मानी। धन्यवाद।